वंदे गो मातरम मित्रों, गवेशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं अंकित शर्मा, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि गवेशाला किस प्रकार से वैदिक घी का निर्माण कर रही है, क्या क्या उस घी के अंदर गुणवत्ता, किस प्रकार से घी के अंदर गुणवत्ता लाई जा सकती है गैया मैया के घी के अंदर। आज हम उसी विषय में आपको विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। तो मित्रों, आप देख सकते हैं ये हमारा गौवंश है, किस प्रकार से सुंदर वातावरण में विचरण कर रहा है, अपने ही मन से, अपने मन माफी की ये चारा ग्रहण कर रहा है। आप देख सकते हैं कितने सुंदर भाव से ये गैया सब चारा खा रही हैं। आप देख सकते हैं ये जो पीछे आप जगह देख रहे हैं, ये पीछे एक तरफ एक प्रकार से जंगल बनाया हुआ है। पीछे जो है जंगल, गौ माता के चरने के लिए ये कम से कम 20 बीघा का जंगल है। ये जो जंगल है, इसमें गैया मैया यहाँ से चारा ग्रहण करके स्वच्छंद विचरण के लिए अपने आप सोते ही चली जाती हैं। इस चारे को बचाने के लिए आप देख सकते हैं अंदर कुछ गोवंश है, वो आते हुए आपको दिखाई दे रहा है। ये जो गोवंश है स्वच्छंद विचरण वो कर रहा है। देख सकते हैं आप किस प्रकार से जंगल से गैया अपने मन से चरके और आ रही हैं। देख सकते हैं ये हमारे नंदी महाराज हैं पीछे, इनको संवर्धन के लिए हमने रखा हुआ है यहाँ पर। बहुत अच्छी किस्म के, अच्छी नस्ल के ये नंदी महाराज हैं, गैया के संवर्धन के लिए हमने इनको रखा हुआ है। ये देख सकते हैं आप, ये हमारे नंदी महाराज हैं, बहुत ही अच्छी नस्ल के, गिर नस्ल के नंदी हैं, बहुत ही अच्छी नस्ल है ये। आप देख सकते हैं किस प्रकार से हमारा जो गोवंश है, हमारी गौ माता है, किस प्रकार से चर रही हैं। बहुत अच्छी, अच्छा अच्छा इनको चारा बाटा खिलाया जाता है, उसके विषय में आगे हम विस्तार से आपको बताएंगे। मित्रों, आप देख सकते हैं यहाँ पर गैया का दूध निकाला जा रहा है, पूरा देशी विधान से ये दूध सब निकाला जाता है, बिल्कुल कोई मशीनीकरण नहीं है, अपने हाथों से, बिल्कुल जो देशी विधान था उसी से ही, उसी के द्वारा ही दूध का दोहन किया जाता है। दो थनों का दूध बछड़ों को पिलाया जाता है, बाकी का दूध जो है वो घी के निर्माण के लिए, वैदिक घी के निर्माण के लिए रखा जाता है। मित्र, आप देख सकते हैं गैया को ये सुंदर भूसा, गेहूं का ये जो पाला है, ये भूसा है, ये गैया को खिलाया जाता है। इस भूसे के साथ विभिन्न प्रकार के औषधियां, विभिन्न प्रकार का हरा चारा और विभिन्न प्रकार का बाटा इस भूसे के साथ मिला के गैया को खिलाया जाता है। मित्र, आप यहाँ देख सकते हैं गैया के लिए हमने सुंदर सा ये पूरा हरा चारा लगाया हुआ है। यहाँ पर ये कुछ सब्जियां हैं, ये सब्जियां भी हम गैया को खिलाते हैं। यहाँ देख सकते हैं ये सब मूले उगे हुए हैं, मूले के जो ऊपर का जो ये ऊपर की जो ये तंतु हैं, हरियाली जो ये पत्तियां हैं, ये भी हम गैया को खिलाते हैं। साथ में पीछे हमने रजगा लगाया हुआ है, ये रजगा भी हम गैया को खिलाते हैं। आप देख सकते हैं ये बीच बीच में ये सरसों के पौधे लगे हुए हैं, अभी हम दिखाएंगे आपको, बीच बीच में सरसों के पौधे लगे हुए हैं, इसकी पत्तियों का सेवन भी हम गैया को कराते हैं। साथ के साथ ही हम गैया को नीम के पत्ते समय समय पर व पीपल के व आम्र के पत्ते भी हम गैया को समय समय पर खिलाते हैं, जिससे कि गैया स्वस्थ भी रहती है और अपने दूध के माध्यम से, अपने गव्य के माध्यम से हमें आरोग्य भी प्रदान करती है। औषधीय रूप में जब वो ग्रहण करती है तो हमें आरोग्य प्रदान करती है। तो मित्र, आप जैसा कि देख सकते हैं हमने यहाँ पर विभिन्न प्रकार के गोवंश रखे हुए हैं। ये आप सामने देख सकते हैं जो काले गोवंश जो है, ये है कांकरेज, विश्व की सबसे ताकतवर नस्लों में से एक नस्ल, गौ नस्लों में से एक नस्ल, सबसे ताकतवर नस्ल कांकरेज हमने यहाँ रखा हुआ है, वो भी काले रंग में। जैसा कि कहा जाता है जो काला गोवंश जो होता है, काले रंग की जो गौ माताएं होती है, उनका जो दूध होता है वो वात पित्त और कफ का शमन करता है, शमनकारी होता है। इनका दूध वात पित्त और कफ को संतुलित करता है। हम इनके दूध को अलग ही प्रोसेस करते हैं, अलग ही प्रोसेस करके इनका घी बनाते हैं।
इधर आप देख सकते हैं पीछे भारतीय नस्ल का एक नस्ल राठी, राठी गोवंश आप देख सकते हैं, ये राठी गोवंश है सब। इनका भी दूध हम अलग ही प्रोसेस करके घी बनाते हैं। आप देख सकते हैं इधर भी ये गिर नस्ल है। इधर पीछे भी ये जो नंदी बाबा है ये गिर के हैं, साथ में उनकी जो मैया खड़ी है ये भी गिर नस्ल है। उधर उधर पीछे भी जो गैया विचरण कर रही है वो गिर नस्ल की ही गैया है। तो आइए अब हम जंगल की ओर चलते हैं। देख सकते हैं आप गैया हमारी जंगल में विचरण करने के लिए जा रही है। किस प्रकार से गैया स्वच्छंद विचरण करती है, अपने मन माफी की, अपने मन के मुताबिक ही वो सब चारा आदि ग्रहण करती है, औषधियां ग्रहण करती है। देख सकते हैं आप किस प्रकार से गैया अपने हिसाब से ही सब चारा ग्रहण कर रही है, आप देख सकते हैं। पेड़ों की कुछ पत्तियां डाली हुई थी, ये पत्तियां अपने मन के हिसाब से गैया सेवन कर रही है। आप देख सकते हैं सब गैया एक एक करके अंदर आ रही हैं इस जंगल में। क्योंकि कहा जाता है कि गैया को सबसे मुख्य तो घूमना आवश्यक होता है। जब तक गैया घूमती नहीं है तब तक वो स्वस्थ नहीं रह पाती हैं। और आज होता भी यही है, डेयरियों में कई लोगों ने गैया तो रख रखी है और उनको एक कमरों में पैक करके रखा हुआ है, एक ही छोटी सी चार दीवारी के अंदर उनको रखा हुआ है। उसमें वो गैया कहीं घूम फिर नहीं सकती हैं, स्वच्छंद विचरण नहीं कर सकती हैं। फिर होता क्या है, लोग फिर उनको इंजेक्शन के माध्यम से, एलोपैथी दवाइयों के माध्यम से उनको इंजेक्ट करके उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है। आइए हम आपको हमारे इस जंगल का, छोटे से जंगल का भ्रमण करवाते हैं। देखिए किस प्रकार से जंगल लगा हुआ है हमारा। और ये सुंदर सुंदर पेड़ पौधे लगे हुए हैं यहाँ पर। ये हमने लसोड़े के जो लेसुआ आता है उसके पेड़ लगाए हुए हैं। तो ये जंगल तभी ही सुरक्षित रह सकता है जब वो हमें प्रतिफल दे, इसलिए हमने यहाँ पर लेसुए के पेड़ लगाए हुए हैं। क्योंकि समय पर जब ये फल देते हैं तो इनसे भी बहुत ही सुंदर सुंदर फल प्राप्त होते हैं और ये बाजार में जाते हैं। तो मित्रों आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सेंधा नमक की एक डली हमने रखी हुई है। इसी प्रकार से विभिन्न शेल्टरों में, विभिन्न क्यारियों में हमने नमक की डली रखी हुई है। ये नमक की डली मिनरल्स की पूर्ति गैया के अंदर करती है। गैया स्वतः ही इसको चाटती है, अपने मन के हिसाब से ही ये पूरा अपना हिसाब से ये चाटती है और चाट के मिनरल्स की पूर्ति करती है।
मित्रों आप यहाँ देख सकते हैं गैया के लिए हमने सुंदर पानी की एक छोटी सी खेल बनाई हुई है। इस खेल को हमने चूने से हर 7 दिन में चूने से पोता जाता है, क्योंकि गैया को कैल्शियम की बहुत अत्यधिक आवश्यकता होती है। क्योंकि जब तक कैल्शियम अगर गैया को नहीं मिलेगा तो वो स्वस्थ नहीं रह पाएंगी। तो कैल्शियम की पूर्ति के लिए हम इस खेल को चूने से पोते हैं और उसके बाद इसमें स्वच्छ जल नियमित इसमें भरा जाता है। यहाँ देख सकते हैं आप लोग ये गैया के सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे छोटे छोटे से बच्चे कितने सुंदरता से निहार रहे हैं कैमरे की ओर, आप सब लोगों की ओर। तो मित्रों यहाँ आप देख सकते हैं गैया का जो दूध हमने निकाला था वो दूध हमने लोहे की कढ़ाई में रखा हुआ है। लोहे की कढ़ाई में और चूल्हे पर पूरा देशी विधान से, बिल्कुल विधि विधान से चूल्हे पर रखा हुआ है और चूल्हे बिल्कुल मंद आंच पर, वो भी जो गैया के गोबर से बने उपले हैं उन्हीं से ही ये दूध गर्म हो रहा है। ये जब दूध गर्म हो जाएगा इसमें जामन दिया जाएगा, इसको जमाया जाएगा, उसके बाद दही का जो प्रोसेस होगा वो आगे हम आपको बताते हैं। मित्रों जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो रात्रि में हमने जो शाम के समय में प्रथम प्रहर में जो हमने गैया का दूध दोहन करके जो गर्म किया था उसके बाद ये एक प्रोसेस होता है पूरा वैदिक घी बनाने का। प्रथम प्रहर में जो प्रथम प्रहर होता है सूर्यास्त के बाद का 3 घंटे का प्रहर, उसमें दूध को गर्म किया जाता, निकाल के दोहन करके और गर्म किया जाता है। गर्म करने के बाद जो दूसरा प्रहर होता है, दूसरे प्रहर में जब दूध का टेम्परेचर 30 से 40, 40 डिग्री, कम से कम 40 डिग्री हो, तब हम उसमें जामन देते हैं। जामन देने के बाद जो तीसरा प्रहर है, जो सूर्य उदय से पहले का प्रहर है, उसमें हम इस दूध को जब ये दूध जामन देते हैं तो ये दूध प्रोसेस होके दही के रूप में परिवर्तित हो जाता है। आप देख सकते हैं ये मटका है, इस मटके में ही हमने उस दूध को रखा था, इसके अंदर ही हमने जामन दिया था। जामन देने के बाद आप देख सकते हैं ये दही में परिवर्तित हो चुका है। आगे की प्रोसेस हम आपको बताएंगे कैसे हम वैदिक घी अपने हाथों से बिलो कर निकालेंगे। हाँ तो मित्रों जैसा कि आप देख सकते हैं जो घड़े में हमने जो मटके में जो दही जमाया था, अब हम आगे का प्रोसेस बिलोना, किस प्रकार से इसको बिलोया जा रहा है दही को, किस प्रकार से मंथन की जो प्रक्रिया होती है वही प्रक्रिया उसी प्रारूप में ये दही को मथा जा रहा है छाछ छाछ बनाने के लिए, इसी से मक्खन हमें जो प्राप्त होगा ये आप देख सकते हैं। पूरी एक मशीन जो पुरानी पुरातन जो मशीन है, मशीन कह सकते हैं, इसे बिलोना कह सकते हैं, बिलोना जो बनाया हुआ है लकड़ी का, बहुत प्राचीन बिलोना है, इसी से ही हम दही को मथ रहे हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से मैया हमारी इसको मथ रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं जो हम मंथित प्रक्रिया जो कर रहे थे दही को मथने की प्रक्रिया, उसी के अनुरूप आप देख सकते हैं हमें उसका प्रतिफल मिल चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मक्खन को आप मैया के हाथ में देख सकते हैं, ये माँ के हाथ से ये मक्खन निकाला जा रहा है। आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर, और गैया का मक्खन बिल्कुल पीला पीला मक्खन आप देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं आप, स्पष्ट रूप से आपको दिखाई देगा ये जो मक्खन है, ये देखिए आप गैया के दूध को मत के जो ये निकाला गया मक्खन आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। ये देखिए आप ये जो मक्खन देखने के स्पष्ट रूप से आपको दिखाई देगा कितना पीलापन इस गैया के दूध से बने मक्खन में है, आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। पूरा विधि विधान से बनाया हुआ है, वैदिक विधि द्वारा ये मक्खन बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से आपको पीलापन इस मक्खन में नजर आएगा। तो मित्रों जैसा कि आप देख सकते हैं जो हमने मक्खन निकाला था उस मक्खन को अब हमने इस स्टील की एक छोटी सी डेगची में रखकर और चूल्हे पे चढ़ा दिया। आप देख सकते हैं पूरा भारतीय विधि विधान से जो चूल्हा बना हुआ है इस चूल्हे से चूल्हे पे चढ़ा दिया है और ये मंदी मंदी आंच में ये मक्खन गर्म हो रहा है। गर्म होने के बाद धीरे धीरे ये रूपांतरित होगा, जिसका जलांश जो है वो उड़ जाएगा, जो छाछ जो इसमें बची हुई है मक्खन में वो जलांश के रूप में वो उड़ जाएगी गर्म होकर, और जो बचेगा वही घी आपको प्राप्त होगा, वैदिक विधि से बना हुआ वही घी आपको प्राप्त होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो मक्खन था ये रूपांतरित हो गया है, इसका जो जलांश है वो ऊपर आ गया है, अब धीरे धीरे ये जलांश उड़ जाएगा और जो बाकी बचेगा वही हमारा शुद्ध और वैदिक घी
जो गैया का घी है वही आपको प्राप्त होगा। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल ये जलांश ऊपर आ गया है, ये धीरे धीरे आप उड़ना शुरू हो जाएगा वाष्प के रूप में। ये जलांश है, ये छाछ जो बची थी ये वो। मित्रों आप सब लोग देख सकते हैं जो हमने मक्खन को प्रोसेस करके जो घी बनाया है वो पूर्ण रूप से बन चुका है। इस घी को हमने एक स्टील के बर्तन में अभी रखा है, ये गरम गरम था इसलिए इसमें रखा है। इसके बाद हम इसे कांच के बर्तन में प्रोसेस करेंगे। आप देख सकते हैं इसका कलर बिल्कुल पीला कलर है, बिल्कुल पीला कलर। आप देख सकते हैं गैया के दूध का जो कलर होता है उसी से ही मक्खन निकाल के और ये बनाया गया है, बिल्कुल पीला और पूरा वैदिक विधि से ये सब घी बनाया गया है। इसको हम कांच की बरनी में रखेंगे आगे।